तो क्या हालचाल है भाई आप सभी लोगों के। उम्मीद आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में जो काफी ज्यादा अमेजिंग स्मार्टफोन है जिसका नाम है मोटोरोला S50 Pro 5G। सारी चीजें आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इसके कैमरास कैसे होने वाले हैं, कौन सा प्रोसेसर दिया जाएगा एंड इसमें आपको डिस्प्ले क्वालिटी कैसी मिलने वाली है, सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिजाइन के बारे में। इस फोन के बैक पर आपको वीगन लेदर दिया जाएगा जो काफी प्रीमियम फील दे देगा। हालांकि इसके फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास विक्टिस का प्रोटेक्शन दिया जाएगा, बट ऐसा कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया है। बट हाँ, जहां तक है वो उसमें आपको यही प्रोटेक्शन दिया जाएगा। इस फोन में आपको मेटल फ्रेम दिए जा सकते हैं। वेट की बात करें तो जितने भी इसके पास्ट में स्मार्टफोन्स आए हैं उनके हिसाब से इस स्मार्टफोन का वेट 180 ग्राम के आसपास होना चाहिए एंड इसकी थिकनेस 8mm के आसपास रहनी चाहिए, यानी कि 8mm से कम ही होनी चाहिए, क्योंकि मोटोरोला का रिकॉर्ड रहा है वो काफ़ी ज़्यादा स्लिम एंड काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट स्मार्टफोन्स बनाता है, तो इस बार भी आपको देखने को मिल सकता है। खैर, रियर में 3 कैमरास मिल जाते हैं एंड एक कर्व डिस्प्ले भी दी जाएगी। सो भाई डिजाइन के मामले में तो ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा होने वाला है, सुपर प्रीमियम फील आपको दे देगा। वही डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन में 6.7 इंचेस की 1.5 के PoE डिस्प्ले दी जाएगी एंड ये 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट को भी सपोर्ट करेगी, तो स्मूथनेस भी आपको इसमें काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। एंड भाई डिस्प्ले जो है वो काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट होने वाली है क्योंकि इसमें आपको डॉल्बी विजन का सपोर्ट दिया जाएगा, 451 PPI डेंसिटी मिलती है एंड ये बिलियन कलर्स को भी प्रोड्यूस करती है। क्योंकि इसमें आपको 1.5 के रेजोल्यूशन दिया जा रहा है तो इसके जो कलर्स आएंगे वो और ज़्यादा पंची आएंगे और ज़्यादा शार्पनेस उसमें आपको मिल जाएगी। इसी के अलावा इस फोन में Wide 1 L1 एंड HDR10+ का सपोर्ट दिया जाएगा। सो अगर आप कंटेंट वॉच करते हो, मूवीज देखते हो, तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस मिल जाएगा। इस फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जाएगा एंड ब्राइटनेस की बात करें तो यहाँ पर आपको 2000 निट्स का पीक ब्राइटनेस दिया जाएगा डायरेक्ट सनलाइट में यूज़ करने के लिए, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बात करें बैटरी की तो इस फोन में 4600 mAh की बैटरी मिलेगी एंड ये 125 वाट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। इसी के अलावा यहाँ पर आपको 50 वाट का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी दिया जाएगा एंड 10 वाट का रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट भी दिया जाएगा, यानी कि आप इस फोन के जरिए किसी अन्य फोन को भी चार्ज कर सकते हो जिसमें आपको वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट दिया गया हो। इस फोन की बैटरी थोड़ी सी छोटी है बट ऐसा नहीं है कि वो एक दिन तक नहीं चलेगी, आराम से एक दिन तक चल जाएगी क्योंकि इसका जो प्रोसेसर है वो काफी ज्यादा बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर है। खैर, यहाँ पर आपको डॉल्बी एटमॉस के डुअल स्पीकर्स मिल जाएंगे, IP68 की रेटिंग दी जाएगी एंड NFC का सपोर्ट भी दिया जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली इसमें आपको 3.5mm के ऑब्जेक्ट प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये स्मार्टफोन हेलो UI पर रन करेगा एंड इसमें एंड्रॉइड 14 मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स। इस फोन में 3 साल के 80 वाट OS अपडेट्स दिए जाएंगे एंड 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस भी दिए जाएंगे, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। बट जिस तरीके से मोटो अपने स्मार्टफोन को काफ़ी ज़्यादा लॉन्च कर रहा है, एक महीने में कई कई स्मार्टफोन ला रहा है, उसकी जगह पर उसको फ्यूचर अपडेट्स के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, यानी कि टाइमली अपडेट्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए। मोटो का जो रिकॉर्ड है अपडेट्स को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा खराब रहा है, वो टाइम पर कभी भी अपने अपडेट्स को नहीं देता है, तो मैं उसे यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि अपडेट्स को टाइम पर दिया जाए। बहुत सारे लोग जो हैं जो मोटो का स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं वो इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान है। खैर, इस फोन में आपको कोई भी एड्स देखने को नहीं मिलेंगे एंड ना ही कोई ब्लॉटवेयर भी दिया जाएगा। देखो 5G कनेक्टिविटी के बारे में अभी मुझे कोई भी जानकारी नहीं है कि कितने 5G वैंड इस फोन में आपको दिए जाएंगे, बट इतना तो है कि इसमें आपको 12 5G वैंड से ज़्यादा ही दिए जाएंगे, हो सकता है उससे भी कम हो। बात करें परफॉर्मेंस के बारे में तो इस फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 का प्रोसेसर दिया जाएगा जिसको हमने वीवो E30 5G में भी देखा था एंड ये न्यूली प्रोसेसर है। ये प्रोसेसर 4 nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड आता है एंड इस प्रोसेसर का N22 स्कोर 800,000 के करीब आता है, तो ये स्मार्टफोन मल्टीटास्किंग के लिए अच्छा रहने वाला है। वीडियोस को एडिट कर सकते हो, आपके जो हैवी टास्क होते हैं उनको इजीली कर सकते हो, साथ ही में आप इसे स्मार्टफोन में COD एंड BGMI जैसे गेम्स को भी खेल पाओगे। मैं अभी श्योर नहीं हूँ कि कितने FPS की गेमिंग कर पाओगे एंड इसकी रैम एंड रोम कौन सी होने वाली है। ओवरऑल इस फोन की परफॉर्मेंस एंड गेमिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाली है। बात करें कैमरास की तो इस फोन में रियर में 3 कैमरास दिए जाएंगे जिसमें आपको मेन सेंसर 50MP का दिया जाएगा विद OIS, सेकंड 13MP का अल्ट्रावाइड दिया जाएगा एंड थर्ड 10MP का टेलीफोटो लेंस दिया जाएगा। वहीं इसके फ्रंट में 50MP का सेंसर दिया जाएगा एंड आप इस फोन के रियर कैमरा से 4K में वीडियो शूट कर पाओगे। रही बात प्राइस की तो भाई ये स्मार्टफोन 12GB रैम एंड 256GB की स्टोरेज में आने वाला है जो कि April 3rd को लॉन्च हो जाएगा इंडिया में। देखो इस फोन का जो प्राइस है वो 35,000 रुपीज़ से तो ऊपर रहने वाला है, इतना तो ये कन्फर्म है, यानी कि 35,000 से 40,000 रुपये तो आप इसको मिनिमम मान के चलो एंड 40,000 रुपये से भी ज़्यादा जा सकता है। सो देखना ये है कि इसका प्राइस क्या रहने वाला है, उसके बेसिस पर मैं डिसाइड कर पाऊंगा कि ये स्मार्टफोन वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है या नहीं। तो भाई ये थे वो सारे स्पेक्स जो आपको मोटो S50 Pro में देखने को मिल जाएंगे एंड आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा कॉमेंट में ज़रूर बता देना।
आपको इस स्मार्टफोन के साथ में कौन सा स्मार्टफोन का कंपैरिजन चाहिए वो भी आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। तो भाई यही था आज के इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना एंड घंटी के बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लेना। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।